मंचो, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपको अपने फिर से अकाउंटिंग गुरुजी चैनल पर। गाइस, आज का टॉपिक बिजनेस लॉ का वाकई बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसका नाम है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हिंदी में हम संविदा कल्प कहते हैं। अगर आप भी बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या आप सेकेंड ईयर में हैं और आपका जो सब्जेक्ट है उसका नाम बिजनेस लॉ है, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली क्लास में आपके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीकॉम के अगर आप स्टूडेंट हैं तो थ्योरी को हम कभी भी रट नहीं सकते। थ्योरी को हम समझ सकते हैं, अगर हमारे उसके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हम उसके बारे में बनाकर लिख सकते हैं। इसी के लिए मैं आपके लिए जो सीरीज लेकर आया हूँ, हमारी टीम आपको प्रोवाइड कराती है सारी रिकॉर्डेड सेशंस अबाउट योर थ्योरी क्लासेस, और आपको जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं इवनिंग में। सही बच्चों को मैं बता दूं, अपने टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है अकाउंटिंग गुरुजी के नाम से, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और आप उसे फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कोजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। इससे पहले की वीडियोस आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं, मैंने ईयर वाइज प्लेलिस्ट जनरेट करा रखी है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। कोजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए इसे हिंदी में संविदा कल्प कहते हैं, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बिना कॉन्ट्रैक्ट के भी जब किसी व्यक्ति को किसी दूसरे पक्ष को कोई अमाउंट देनी पड़ जाए तो उसे कोजी कॉन्ट्रैक्ट कह देते हैं। अ कोजी कॉन्ट्रैक्ट इज अ काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी इज बाउंड टू पे मनी इन कंसीडरेशन ऑफ समथिंग डन और सफर्ड बाय द अदर पार्टी इन या दो नो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन द पार्टी, जबकि उनके बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता फिर भी वो उसमें पे करने के लिए बाध्य हो जाते हैं जो उनकी लीगली तरीके से पेमेंट करनी पड़ती है। द बेसिस ऑफ कोजी कॉन्ट्रैक्ट टू बी प्रिवेंट इनजस्ट एनरिचमेंट ऑफ अनजस्ट बेनिफिट, जैसे कि कोई भी एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाकर अमीर नहीं बन सकता, ये गवर्नमेंट का रूल है। ये सेक्शन 68 में आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। चलिए आज इसे एग्जांपल के थ्रू सबसे, जैसे मान लीजिए मैं आपको अपना एक किस्सा बताता हूँ। मैंने स्विगी से कुछ ऑर्डर किया, मैंने स्विगी से कुछ ऑर्डर किया, और कुछ का मतलब क्या है, मैंने शाही पनीर और आपका लच्छा पराठा बुक किया था, साथ में आपका रायता भी था, पाइनएप्पल रायता। अब हुआ क्या, वो लाए तो उन्होंने मेरे नेबर को, जिसका नाम भी मेरे जैसा ही है गौरव, उन्हें पकड़ा दिया गलती से। अब मेरे नेबर के मुंह में पानी आ गया तो उसने उसे जो था खा लिया। अब उन्होंने जब उसे खा लिया तो बाद में मुझे जब पता लगा, मैंने तो पेमेंट कर दी थी पहले ही गूगल पे से, और उसके बाद मैंने फिर कंप्लेंट की तो कंपनी ने उसको बोला, वो बंदा सोते सोते रात को भागा भागा आया और उसके पास गया कि सर मैंने आपको दिया था ऑर्डर, ये ऑर्डर आपका नहीं था, बराबर वाले गौरव सर का था। उसने कहा भाई मैंने तो खा लिया, अब क्या हो सकता है। तो जबकि उनके बीच में कोई कॉन्टेक्ट नहीं था, यानी कि वो डिलीवरी बॉय और वो जिसने वो हमारा खाना पीना चट कर दिया है क्योंकि तो मुंह में पानी आ रहा था, तो उनके और उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें उसके पैसे देने पड़े क्योंकि उन्होंने उसका हानि पहुंचाई थी। दिस इज काइंड ऑफ अ कोजी कॉन्टेक्ट, बिना कॉन्टेक्ट के भी जब हम किसी को कोई हानि पहुंचाते हैं तो हमें उसका पे करना पड़ जाता है। ओके बच्चों, दिस वन इज राइट। ठीक है जी, आगे चलते हैं। केसेस या डीमेड एज कोजी कॉन्ट्रैक्ट, कौन से केसेस डीमेड होंगे आइए जानते हैं। नंबर एक, क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई। इफ ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एनीवन हु इज लीगली बाउंडेड टू सपोर्ट इट्स सप्लाइड बाय अनदर पर्सन नेसेसरी सुइटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे ए सप्लाई टू बी अ ल्यूनेटिक विद नेसेसरी सुइटेबल टू हिज कंडीशन ऑफ इन लाइफ इज एंटाइल टू बी रिम्बर्समेंट फ्रॉम बी प्रॉपर्टीज। सिंपल सी बात है, अगर ए बी को कोई चीज सप्लाई करने के लिए बोलता है जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरतमंद है और इन टाइम अगर उसे नहीं पहुंचाता है तो उसे उसका रिम्बर्समेंट देना पड़ सकता है। सिंपल से, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा टॉपिक को। सेकंड आता है पेमेंट्स बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। दिस सेक्शन प्रोवाइड दैट ए पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे एन हाउ सो देयरफॉर पे इट इज एंटाइटल्ड टू बी रिम्बर्समेंट बाय द अदर्स। एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका मैंने बना रखा है यहाँ पर। बी होल्ड करता है लैंड इन बंगाल ऑन ए लीज ग्रांट बाय ए, ठीक है, द जमींदार, ये जो जमींदार है उससे वो क्या करता है,
लीज पर लैंड को लेता है। द रेवेन्यू पेबल बाय ए, ठीक है, टू द गवर्नमेंट बीइंग इन एरियर, सिंपल सी बात है, जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को देना है उसमें एरियर चल रहा है, तो इज लैंड इज एडवर्टाइज फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने वो सेल के लिए निकाल दी, जो उसे पैसे नहीं मिले। तो अंडर द रेवेन्यू लॉ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच सेल विल बी द एनुलमेंट ऑफ बी लीज, सिंपल सी बात है, अगर गवर्नमेंट उस लीज उस जमीन को आगे बेच देगी तो बी की जो लीज है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में ए को बाउंड हो जाता है कि बी को उसे पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें यह शर्त नहीं थी कि आप जमीन वापस ले लोगे, जमीन थी गवर्नमेंट की, ए ने उस जमीन को लीज पर बी को दे दिया और ए ने वो पैसा गवर्नमेंट को नहीं दिया, तो गवर्नमेंट उस जमीन को बेच देगी और बी का क्या होगा, फिर बी का तो नुकसान हो गया, तो ए को अपनी वो अमाउंट जो है रिइंबर्समेंट करनी पड़ेगी, बी को पे करनी पड़ेगी, ये जरूरी आ जाता है। ओके बच्चों, एग्जाम्पल इसके बहुत सारे मिल जाएंगे, आप देखते हो, तो जैसे एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, एज गुड्स वर्स रॉन्गफुली अटेस्ट टू रियलाइज द एरियर ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू बाय बी, तो ये सारी चीजें हैं, इसमें केसेस भी रहा, रियलिस्टिक चीजें हैं सारी, तुलसा कन्वर वर्सेज जागेश्वर प्रसाद, ये केस भी है 1906 का, तो जितने भी केसेस लॉ में आते हैं वो सभी इतिहास बन जाते हैं और उन सभी को किताबों में रख लिया जाता है और जो सारे सेक्शंस उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। ये सब्जेक्ट ऐसा है बच्चों, उसमें जितना डीप आप जाओगे उतना ही आपको लगेगा कि अभी तो कुछ भी नहीं मैंने पढ़ा। तो मैं तो कहता हूँ हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इस चैप्टर की जो कॉन्सेप्ट है उसे समझो, केसेस को कभी समझने की कोशिश मत करना क्योंकि बहुत ज्यादा डीप हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑब्लिगेशंस ऑफ पर्सन एंजॉयिंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेचुअस एक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे ए एक ट्रेडमैन है, वो लीव्स गुड्स एट बी हाउस बाय मिस्टेक, ए ने गलती से बी के हाउस में कोई मिस्टेक कर दी, बी ट्रीटेड द गुड्स ओन, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया जोमेटो वाला वही है, ए ने गलती से बी के यहाँ पे कोई सामान ड्रॉप कर दिया और बी ने ऐसे ट्रीट करा जैसे वो उसका ही है और बी ने वो उसे यूज कर लिया, तो बी ए को पेमेंट करने के लिए बाउंड हो जाता है, इसे कहते हैं कोजी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। अब इसके बारे में बहुत सारी चीजें, द फैक्ट ऑफ द केस आर, फैक्ट क्या है इसके पीछे का, सो द गवर्नमेंट कैरीड आउट रिपेयर टू ए इरिगेशन टैंक ऑन बाय द गवर्नमेंट ज्वाइंट विद ए जमींदार एंड श्विट द जमींदार ऑफ कंट्रीब्यूशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंसिस इनकर्ड फॉर द रिपेयर। सो इट वॉज हेल्ड द गवर्नमेंट इज कैरिंग आउट द रिपेयर हैड एक्ट लॉफुली एंड हैड नॉट इंटेंडेड टू कैरी देम आउट ग्रेचुअली एंड दैट द जमींदार हु इंजॉय द बेनिफिट ऑफ द रिपेयर वॉज लाइबल टू पे कंपनसेशन। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए गवर्नमेंट का लैंड है और जमींदार के साथ वो बाउंडेड है, जमींदार के साथ वो टाई अप में है, लेकिन जमींदार उसका कुछ एक्सपेंसिव जो है पे कर देता है पे, ठीक है। अब जमींदार ने वो पे कर दिया, कल को गवर्नमेंट का है अधिकार तो गवर्नमेंट उसे पैसे पे करने के लिए मजबूर हो जाती है अगर गवर्नमेंट उस जमीन को किसी और को बेच दी, क्योंकि उस पर खर्चा जमींदार ने किया, ठीक है बच्चों। तो ये था आज के बारे में, आज आपने समझा। जैसे एक और आगे यहाँ पे पॉइंट ये है सेक्शन 31 में, ये अगर कभी याद रखना हो तो ऐसे याद रख सकते हो कि कोजी कॉन्ट्रैक्ट के जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो सेक्शन 68 से सेक्शन 72 तक आते हैं। अ पर्सन हु फाइंड गुड्स बिलोंगिंग टू अदर एंड टेक देम इनटू हिज कस्टडी इज सब्जेक्ट्स टू द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए वैली, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ही मैं आपको दिखा देता हूँ। एच पिक अप ए डायमंड फ्रॉम द फ्लोर ऑफ एफ शॉप एंड हैंडेड ओवर टू एफ टू कीप इट टिल ओनर इज फाउंड। एच को एक डीप डायमंड मिलता है और वो एफ को दे देता है, ठीक है, एफ की शॉप पे, और एफ को देता है कि भाई तुम रख लो जब तक इसका ओनर मिल नहीं जाता, है ना। और मान लीजिए ट्रू ओनर जो है वो कुड नॉट बी रीच, वहां नहीं पहुंच पाता, तो आफ्टर सम टाइम एच टेंडर्ड करता है एफ को कि लॉफुल वो उसका है। सिंपल सी बात है, आपको कोई चीज मिली और आपने मुझे दी, गोरसर आप रख लो, ये किसी की हो सकती है, कोई आएगा तो आप उसे दे देना। मान लीजिए कल को कोई नहीं आया तो आप मेरे पास आके उस चीज का अधिकार से मांग सकते हैं, क्योंकि वो चीज आपको मिली थी और मैं उसके लिए बाध्य हो जाता हूँ पे करने के लिए। ऐसे एक और एग्जांपल आता है, मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर करेक्शन, ये सेक्शन 72 है बच्चों। ये आम जिंदगी में हमारे साथ होता है और इनके लिए किसी के साथ कॉन्टेक्ट करने की जरूरत नहीं है जी,
मान लीजिए ए ने गलती से किसी को कोई पेमेंट किया, जैसे आजकल क्या होता है गूगल पे से हम लोग पे कि किसी का फोन नंबर लेके पे कर देते हैं, किसी को स्कैन करके पे कर देते हैं, आपने किसी को गलती से पे कर दिया, तो आपको वो पैसा वापसी लेने के आप अधिकारिक हो, अगर वो नहीं देता तो आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हो। जी ये सारा प्रोसीजर वहां पर आ जाता है। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें थी बच्चों, आज आपने समझा, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। कल हम कोजी कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो अगला टॉपिक लेने वाले, क्योंकि मैं सारे टॉपिक वो ही लेने वाला हूँ पहले जो आप सबको समझ में आए। ठीक है बच्चों, कलम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।